हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय मंगलानी और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ऑफ क्लास 8 मैथ्स। तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड व्हाट आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है टू लाइंस इन द सेम प्लेन व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। टू लाइंस इन द सेम प्लेन, इसकी मीनिंग क्या है उसके लिए देखिए, यहाँ पे सपोज दीज आर द टू लाइन्स एंड दीज लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देयर फॉर दीज आर पैरेलल लाइन्स। बट वॉट इज मीन्ड बाय लाइन्स इन द सेम प्लेन? तो लाइन्स इन द सेम प्लेन मीन्स अब ये दोनों लाइन्स है ना एक ही प्लेन में हैं। अगर मैं इस लाइन को ऐसे रखता हूँ और ये एक लाइन को ऐसे रखता हूँ और एक लाइन को ऐसे रखता हूँ, तो अब दीज टू लाइन्स आर नॉट इन द सेम प्लेन। इस लाइन का प्लेन अलग है और इस लाइन का प्लेन अलग है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, फिर भी ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं। सिमिलरली इस लाइन का प्लेन ये वाला है और इस लाइन का प्लेन ये वाला है, अभी भी ये जो लाइंस हैं दीज आर नॉट इन द सेम प्लेन, देयरफॉर दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। तो यही बात हम यहाँ पे बोर्ड पे समझेंगे कि अब ये जो दो लाइंस हैं ये एक सेम प्लेन में है, और ये सेम प्लेन कौन सा है? बोर्ड वाला प्लेन। तो दीज आर द टू लाइंस इन द सेम प्लेन, जिसको बोलेंगे कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक ही प्लेन में होते हैं तो उनको कोप्लेनर बोलते हैं। तो दीज आर टू कोप्लेनर लाइंस एंड दीज आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देयरफॉर दीज आर पैरेलल लाइंस। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम इज रिटन लाइक दिस। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको और एक चीज़ समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, अब मैं फिर से और दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ और ये दो लाइंस हैं, सपोज दिस इज लाइन पी एंड दिस इज लाइन क्यू, ठीक है। इस साइड लिखता हूँ दिस इज लाइन पी, दिस इज लाइन क्यू। अब इस डायग्राम को देखते हुए लग रहा है कि दीज आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, लेकिन जब हम इन लाइंस को और प्रोड्यूस करेंगे, इस लाइन को मैं और प्रोड्यूस कर लेता हूं और इस लाइन को भी मैं और प्रोड्यूस कर लेता हूं, तो जब हम प्रोड्यूस करते हैं इन लाइंस को तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए जब व्हेन टू लाइंस आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टिल दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन दे विल बी पैरेलल लाइंस। अगर वो अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही लेकिन आगे चल के वो इंटरसेक्ट करेगी, तो दीज आर नॉट, दोज विल बी नॉट पैरेलल लाइंस, दोज विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, उनको बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बात समझ में आ गई। अब हमें समझना है कि व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो अब इस डायग्राम को देखिए, लाइन एल एंड लाइन एम दीज आर द टू डिस्टिंक्ट लाइंस, ये अलग अलग दो लाइंस हैं, और उन दोनों लाइंस को ये लाइन पी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, एंड लाइन पी इज इंटरसेक्टिंग लाइन एल एंड एम इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट्स में वो लाइन पी इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज द पॉइंट्स आर एक्स एंड वाई, दीज आर पॉइंट्स एक्स एंड वाई, कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं। तो एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट में ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, देयरफॉर दिस लाइन पी इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ लाइन एल एंड एम, ठीक है। ट्रांसवर्सल का मतलब समझ गए कि जब एक लाइन दो लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, देन दैट लाइन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से ये दो लाइंस हैं, सपोज दीज टू लाइंस आर लाइंस जे एंड लाइन के, दीज आर टू लाइंस, एंड लाइन दिस लाइन एम इज इंटरसेक्टिंग लाइंस जे एंड के। बट आप देख सकते हो कि लाइन जो एम है ये लाइन जे के और लाइन जे को इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट में, सपोज दैट पॉइंट इज ओ, तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ दिस लाइन एम इज नॉट अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन जे एंड के, ये लाइन एम यहाँ पे ट्रांसवर्सल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल उसको बोलेंगे जब वो दो लाइंस को डिफरेंट पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। ओके, अब हम समझेंगे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस।